हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज अपन लोग बात करने वाले हैं TVS की तरफ से 110 cc सेगमेंट की एक ऑफरिंग के बारे में, जिसका न्यू मॉडल, अपडेटेड मॉडल आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाला है। आज अपन लोग बात करने वाले हैं TVS स्टार सिटी प्लस के न्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि यार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट में अभी आपको 110 cc सेगमेंट की जितनी भी ऑफरिंग्स देखने को मिल रही हैं, उनमें आपको कंपनीज बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि हीरो की तरफ से आपको पैशन एशटैग देखने को मिलती है, और पैशन एशटैग में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, LED DRL देखने को मिलती है, फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। बजाज की तरफ से आपको प्लेटिना 110 देखने को मिलती है, और प्लेटिना 110 में तो आपको फर्स्ट इन द सेगमेंट ABS देखने को मिलता है, यानी कि प्लेटिना 110 110 cc सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट बाइक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए TVS भी अपनी स्टार सिटी प्लस के न्यू मॉडल को काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, और स्टार सिटी प्लस के न्यू मॉडल में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को स्टार सिटी प्लस के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, और इसी तरह बाइक की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार सिटी प्लस के न्यू मॉडल में आपको बेसिकली चार कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट अपडेट आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएगा। अभी आपको इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार रेडियन में ही आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो इसके न्यू मॉडल में तो आपको डेफिनेटली ही फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन, इसके अलावा काफ़ी सारे अलर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। सेकंड अपडेट के बारे में बात कर लें तो सेकंड अपडेट देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स आपको इसके फ्रंट लुक में, क्योंकि यार इसका फ्रंट का लुक उतना कुछ खास नहीं है। तो इसके फ्रंट लुक में आपको काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन की, बिल्कुल ही यूनिक डिज़ाइन की LED DRL देखने को मिल जाएगी, और हेडलैम्प का डिज़ाइन भी आपको थोड़ी सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसका फ्रंट का लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, पहले से काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होने वाला है। थर्ड अपडेट के बारे में बात कर लें तो इसके टैंक पर अब आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन के टैंक कॉल देखने को मिलेंगे, जिससे इसका लुक थोड़ी सा मस्कुलर हो जाएगा, बाइक थोड़ी सी और भी ज़्यादा मस्कुलर लगेगी देखने में। फोर्थ एंड लास्ट अपडेट के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको बिल्कुल ही न्यू फ्रेश ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, और एक दो न्यू कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे अपडेट भी आपको इसके न्यू मॉडल में देखने को मिल सकते हैं। बाकी प्राइस के बारे में बात कर लें तो मान के चलिए कि इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 1 से लेकर 2 हज़ार रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।